सुख शांति सभी भाई बहनों को दिल से प्रेम से ओम शांति। आप सब अपने घर परिवार में लॉकडाउन के दिनों में बहुत अच्छी तपस्या की और लॉकडाउन खुलने के पश्चात अपनी सेफ्टी के लिए अपने परिवार में फिर से पुरुषार्थ के लिए तत्पर हैं। कहीं कहीं आ जा भी रहे हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस बात की हम सब बहनों को बहुत खुशी है क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर आपका तन स्वस्थ रहता है तो आप पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो भले हम सेंटर पर आ जा नहीं रहे हैं लेकिन सेंटर की हर गतिविधियों से हम अवगत जरूर हैं। प्रतिदिन हम लाइव मुरली भी सुनते हैं और भी दीदी जो भी पुरुषार्थ की बातें हमें सुनाती हैं वो भी हम सब सुनते हैं। तो मेरी आप सबके लिए शुभ आशा है कि जो भी हमें पुरुषार्थ की बातें बताई जाती हैं हम उसको दिल से दृढ़ता से जरूर अभ्यास करें क्योंकि यही अभ्यास के दिन हमारे लिए एक छाप बन के रह जाएंगे। आने वाला समय हम सभी परिवार वालों के लिए इतना व्यस्त होगा कि हम सब दूसरों को देने की सेवा करेंगे। सब लोग हमारे से ज्ञान गुण शक्तियाँ लेने के लिए आएंगे। तो अभी का जो समय हम सब व्यतीत कर रहे हैं वो भरने का व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने बड़ों के द्वारा ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं या फिर हम अपनी तपस्या के बल से बाबा से शक्तियों की प्राप्ति कर रहे हैं। ये सब शक्तियों की प्राप्ति हमें शक्तिशाली बना रही है और इन प्राप्तियों के आधार से ही हम दूसरों को बहुत कुछ देने वाले बन सकेंगे। सर्व की मनोकामना पूर्ण करना हमारा ही तो कर्तव्य है क्योंकि दाता के बच्चे हम मास्टर दाता हैं। हम खुश नसीब हैं, हम बाबा के वो बच्चे हैं जो दुनिया से दुखों की लहर को मिटाने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं और खुशियाँ दिलाने वाले हैं। जब हम दूसरों को खुशियाँ दिलाने वाले हैं तो हर समय हमारा मन हमारा तन हमेशा खुशनुमा रहना चाहिए। अभी हमने संडे की मुरली भी सुनी जिसमें बाबा ने क्या कहा कि आपका हर घड़ी हर समय हर संकल्प खुशियों भरा है, ये समय आपके लिए श्रेष्ठ समय है। तो इस श्रेष्ठ समय में हमें हर कार्य श्रेष्ठ ही करना है। तो खुशियों की जहाँ बात चल रही है तो इसी खुशियों पर ही बड़ों ने आप सबके लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वो प्रोग्राम जो आप सब अभी देख रहे हैं, गीतों भरी शाम शिव बाबा के नाम, जिस गीतों को लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में पठानकोट से भ्राता ओम प्रकाश जी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे आप अनुभव भी सुन चुके हैं और वो बहुत बार पानीपत आ चुके हैं और आके आपसे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आज वो हमसे वहीं पर होते हुए भी रूबरू होंगे। अपने गीतों द्वारा हम सबको बहलाएंगे, खुशियों में झूमाएंगे, हमारा तन भी नाचेगा मन भी नाचेगा, लेकिन हमारा तन झूमे मन झूमे उससे पहले वो अपने एक स्वागत गीत के द्वारा हम सबका स्वागत करने के लिए हम सबके बीच में हाजिर हैं। तो मैं उनका परिचय शॉर्ट में देना चाहूँगी, वैसे तो आपको उनका परिचय है ही। भ्राता ओम प्रकाश भाई जी जो पिछले 30 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत कठिनाइयों भरा जीवन जिसको बाबा मिलते ही बहुत सहज और हंसता मुस्कुराता खिला गुलाब जैसा बना लिया, तो ऐसा बाबा की बगिया का खिला हुआ फूल जिसने कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी अपने पर ज्ञान वर्षा करके अपने को हरा भरा बनाया, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा मूर्त आत्मा है। और दूसरी बात, ये लौकिक कार्यरत होते हुए भी बिजी सो इजी आत्मा है और बाबा ने आपको जो कला दी है गायन कला, ये बाबा ने ही आपकी यूज कराई है। आप तो अपने कार्य व्यवहार और बाबा की याद में मस्त थे लेकिन बाबा को मालूम था कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो बाबा ने आपके इस विशेषता को बहुत स्थानों पर यूज किया। आपके अंदर विशेष विशेषता है हंसते रहना और दूसरों को हंसाते रहना और दिल से सबको जी आया कहना और सबका स्वागत करना। तो अभी आप पानीपत निवासियों का भी और अपना खुद का भी स्वागत करेंगे भ्राता ओम प्रकाश जी। ओम शांति, नमस्कार। आज पुनः पानीपत क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस विश्व महामारी जिसे लोग महामारी कहते हैं, लेकिन विशेष हम ईश्वरी परिवार के लिए ये एक तोहफा लेके आई है क्योंकि कोरोना संदेश देता है कि गलती करो ना,
गफलत करो ना, लेकिन तपस्या तो करो ना। तपस्या करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है अपने अपने घरों में। मैं पानीपत हुडा सेंटर की परमादरणीय सुनीता बहन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ज्योति बहन जिन्होंने मुझे यहाँ चांद से एक बार फिर, तमाम छोटी बहनें आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सेवा का चांस दिया। यहाँ क्षेत्र के भाई बहनें जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके रूबरू हो रहा हूँ चंद बाबा के गीत, बाबा की याद के गीत लेकर, और साथ साथ उमंग उत्साह से भरे हुए पंजाबी भंगड़े के गीत लेकर, ताकि आप भी खुशियों में झूम जाएं, क्योंकि ये जीवन ही खुशियों का जीवन है, संगम युग खुशियों का युग है। तो आइए बाबा के इन गीतों के ऊपर आइए उमंग उत्साह अपने में भरते हैं। पंजाबी गीतों के नाल आगाज़ कर दें सब तो पहला कि असी तुहाडे कोल आए, तुसी साडे कोल आए, सो एक दूजे के स्वागत दे विच असी एक पंजाबी गीत जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू सुनदे आं। ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਏ ਚਿਹਰੇ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। अपना पन बखाया है, शुभ आशा दिया किरणा दे के महफिल नूर रुशनाया है। ओ एक बेनती उत्ते आके अपना पन बखाया है, शुभ आशा दिया किरणा दे के महफिल नूर रुशनाया है। असा बिलरजा चार चुफेरे, ओ असा बिलरजा चार चुफेरे, कलियां दिया सजाइया ने। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਏ ਚਿਹਰੇ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਕੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਏ ਚਿਹਰੇ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਧਨ ਦੇਵਨ ਖਾਤਰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੁਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਧਨ ਦੇਵਨ ਖਾਤਰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਓ ਆਓ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਏ ਚਿਹਰੇ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ।
सभा तालियों से आपका स्वागत करते हैं और आपको भी हम सब भी भाई बहने पानीपत निवासी भाई बहने दिल से जी आयानु कह रहे हैं और आपका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जी आयानु ब्रादर जी, जी आयानु, आके आपने हमारे तन और मन को लहरा दिया। बाबा भी कहता है कि बच्चे जो खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं इससे बड़ा पुण्य कोई और है ही नहीं। तो दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपने इतना सुंदर गीत हम सबके स्वागत में और अपने स्वागत में गाया। एक बात जो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, जो बाबा ने हमें कही कि देखो खुश रहने के लिए, सदा दूसरों को खुश करने के लिए अगर हमारे परिवार में कोई गलत चल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट नहीं कहो कि तुम गलत हो। उसकी बाबा ने बहुत अच्छी विधि हम बच्चों को बताई, आपको याद ही होगी लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करा देना चाहती हूँ। वो विधि बाबा ने बताई, उसको कहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और दिल से कहना है, दिखावे से नहीं। उसको ये ना लगे कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, उनको ये लगे कि ये रहम भावना से दिल से कह रहे हैं और वो आपकी बात सुनने की हिम्मत रखें और बदलने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए तीन बातें आपको देनी पड़ेंगी, देने के बाद आप उनसे कुछ भी ले सकते हैं, और वो देना क्या है, हिम्मत देनी है, हिम्मत के साथ खुशियाँ देनी है और उमंग उत्साह देना है। अगर आप ये तीनों बातें देंगे तो वो आपकी बात को सहज मान लेगा और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएगा। और जब हमारे ही परिवार में कोई गलत व्यक्ति परिवर्तन होकर के अच्छी राह पर चल पड़े, इससे बड़ी खुशी तो कोई हो नहीं सकती है। तो खुश रहने के लिए ये टेक्निक जरूर याद रखिएगा, लेकिन आप में भी हिम्मत चाहिए किसी को खुशी देने के लिए, और वह हिम्मत आती है शिव बाबा की याद से। अब उससे कैसे मिलना है और कैसे दूसरों को मनाना है, तो दूसरा गीत लेके आ रहे हैं हमारे बीच में भ्राता ओम प्रकाश भाई जी, आओ मिल लो धरती पर शिव भगवान आया है। जदों तरम दी हानी लंग जांदा सिर उत्तों पानी निराकार आके साकार सुनाउंदे हन तुरकी वाणी, सुनाउंदे हन तुरकी वाणी। धरती ते आए, आओ मिल लो शिव धरती ते आए। मिठे मिठे बच्चे आओ मेरे बच्चे, कह सबनू बुलाए, आओ मिल लो आओ मिल लो प्रभु धरती ते आए। जदों पैंदा पृथ्वी ते पापियां दा पार, उदों लेंदे धरती ते शिव अवतार। ओ जदों पैंदा पृथ्वी ते पापियां दा पार, उदों लेंदे धरती ते प्रभु अवतार। प्रभु अवतारे कीता वादा फिर तो, कीता वादा फिर तो निभाउन लई आए, आओ मिल लो हो, आओ मिल लो शिव धरती ते आए, आओ मिल लो प्रभु धरती ते आए। आरतियां जप तप किते इशनान सी, लभिया बहुत नया मिले भगवान सी। ओ
धरतियां जप तप की पेश नान सी, लभिया बहुत नैया मिले भगवान सी, चारे ताम कीते चारे ताम कीते, लखा चक्कर लगाए आओ मिल लो, हो आओ मिल लो शिव धरती ते आए, आओ मिल लो प्रभु धरती ते आए। तपभूमि अभूते ले अवतारे, ब्रह्मा दा साकार तन लिया आधारे, हो तपभूमि अभूते ले अवतारे, ब्रह्मा दा साकार तन लिया आधारे, ले आधारे, लखा रूहा प्यासियां लखा रूहा प्यासियां ने दर्शन पाए, आओ मिल लो, आओ मिल लो शिव धरती ते आए, आओ मिल लो शिव धरती ते आए। मिठे मिठे बच्चे आओ मेरे बच्चे, कह सबनू बुलाए आओ मिल लो, आओ मिल लो प्रभु धरती ते आए। धन्यवाद ओम प्रकाश भाई जी, आपने सबको शिव बाबा से मिलाया, और सचमुच अगर किसी का मिलन शिव बाबा से हो जाता है तो उसका चेहरा, उसकी चलन, उसका व्यवहार इतना सुंदर बन जाता है कि वो जिसके भी संपर्क में आता है उनको भी आनंद आ जाता है, मज़ा आ जाता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं, और वो फिर यही खुशियाँ दूसरों को देने के लिए तत्पर हो जाता है। एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है बाबा की मुरली की, जो बाबा ने कही थी कि बच्चे आपको हंस मुख बनना है और साथ ही साथ हंस बुद्धि बनना है। हंस बुद्धि, हंस मुख और हंस वृद्धि कहा था। देखना है कि हमारे मन के अंदर दूसरों के लिए भरा क्या हुआ है। बात यह नहीं है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, बात यह है कि हमारे मन में उनके लिए क्या भरा हुआ है। क्योंकि बाबा ने जो हंस वृद्धि कही है, तो हंस वृद्धि का मतलब क्या है कि एक ही संकल्प को जब हम बार बार कर लेते हैं वो वृद्धि बन जाती है। मान लीजिए मेरे परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो बहुत नुक्ताचीनी करता है, कटाक्ष करता है, निंदा चुगली करता है और बिना मतलब हमारी बातें उड़ाता है। अब उसका तो वो अवगुण है ही, ये बात सोचने की है, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए क्या भावना है, मैंने उसके लिए क्या सोच के रखा हुआ है। क्या यही सोच के रखा हुआ है कि ये तो बड़ा खराब है, ये तो निंदा चुगली करता है, ये तो बाहर जाके मेरी बातें फैलाएगा, ये तो मेरी बेइज्जती करेगा। अगर मैंने उसके लिए ऐसा भरा हुआ है तो निश्चित रूप मैंने उसके लिए बद्दुआ अंदर से पैदा कर दी है। अगर उसके लिए मैंने बद्दुआ ये पैदा कर दी नेगेटिव सोच की, तो वो परिवर्तन के लिए कदम कभी नहीं रख पाएगा और कभी भी वो अपने इस अवगुण को गुण में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अब उसके लिए वृत्ति क्या बनानी है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, ये जो है जैसा है आपका बच्चा है, समय और समझ हर एक को आना है, क्योंकि जो आपका बना है वो समय पर समझ ही जाएगा। क्योंकि जिसका टीचर सुप्रीम टीचर होता है वो समझदार ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। हम अगर किसी को दुआ दे सकते हैं तो उसके लिए नेगेटिव वृत्ति ना रख करके हमेशा शुभ भावना की वृत्ति अपने अंदर भरें कि ये जरूर परिवर्तन हो जाएगा। समय जो है वो बहुत बड़ी औषधि है,
टाइम अस गुड हीलर कहा जाता है, तो इसीलिए हम धैर्य रखें और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और वृत्ति क्या रखें, सब अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारी वृत्ति ऐसी है, सब अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि ऐसा समय ज़रूर आएगा कि उसका दिल हिलोरे मारने लगेगा। और जब उसका दिल हिलोरे मारेगा, हमारी तरफ से शुभ भावनाएं जब उसको मिलेंगी तो वो सबको झुमा देगा। ऐसे ही शुभ भावनाओं के साथ बहुत सुंदर गीत लेकर के फिर से आ रहे हैं हमारे बीच में भ्राता ओम प्रकाश भाई जी, हुल्ले हुलारे हुल्ले हुलारे। खुशियां दा मौका है, खुशियां दा आलम है, कोरोना दी सीजन है, तो चलो नच के कोरोना नू भजा दईए, नच के कोरोना नू दूर दूर तक छड़ के आईए। तो आओ एक गीत सुनते हैं, हुल्ले हुलारे हुल्ले हुलारे हुल्ले हुलारे। साउंड स्टार्ट। आओ नचिए आओ नचिए रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे, आओ नचिए रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे। खुशियां खेड़े चार चुफेरे हुल्ले हुलारे, हुल्ले हुलारे आओ नचिए रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे। नचना है गज वज के गज वज के गज वज के, चा पूरे करने ने अज रज के अज रज के अज रज के। सारिया ने नचना है गज वज के गज वज के, चा पूरे करने ने अज रज के अज रज के। एक दूजे तो जाइए वारे हुले हुलारे, सारे हुले हुलारे। दिल विच कढ दियां गल्लां माड़ियां वही गल्लां माड़ियां गल्लां माड़ियां, वजाइए उमंगां दियां रोज ताड़ियां वही रोज ताड़ियां रोज ताड़ियां। दिल विच कढ दियां गल्लां माड़ियां वही गल्लां माड़ियां, वजाइए उमंगां दियां रोज ताड़ियां वही रोज ताड़ियां। ओ बन जाइए असी हर मन प्यारे हुल्ले हुलारे, हुल्ले हुलारे हुल्ले हुलारे। आओ नचिए रल मिलके सारे हुल्ले हुलारे। घड़ियां आईयां ने वही आईयां ने आईयां ने, अद दियां मेहरां छाईयां ने वही छाईयां ने छाईयां ने। खुश दियां घड़ियां आईयां ने वही आईयां ने, अद दियां मेहरां छाईयां ने वही छाईयां ने। ओ वेखो वजदे ढोल नगाड़े हुल्ले हुलारे, धन्यवाद। हुल्ले हुलारे हुल्ले, आओ नचिए सारे रल मिलके। जब हम रल मिल करके रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारे आंगन में खुशियां खेलती है। ऐसा आपने अपने गीत के द्वारा हम सबको बताया, बताया ही नहीं, सबके पैर भी थिरकने लग गए थे भांगड़ा करने के लिए, और सभी कर भी रहे होंगे और कर रहे हैं। तन भी सबका झूम रहा है और मन भी झूम रहा है। और कहा जाता है कि ये जिंदगी में खुश रहना, तन का झूमना और मन का झूमना बहुत जरूरी है। जहाँ तन झूमता है वहाँ मन झूमता है, और वहाँ जिंदगी वाह वाह हो जाती है। और अगर तन और मन झूम नहीं रहा है तो किसी के लिए जेल बन जाती है जिंदगी,
और किसी के लिए खेल बन जाती है जिंदगी। लेकिन जिंदगी ना झेलने की है अभी तो खुशी खुशी खेलने की है। खेल तो सारे रहे हैं लेकिन मजबूरी में, मजबूरी में नहीं, मुरझाइश में नहीं, लेकिन खुशी से ये जिंदगी का खेल आप खेलें, इस जिंदगी को आप वाह वाह बनाएं। तो भ्राता ओम प्रकाश भाई जी ने हम पानीपत निवासियों के लिए बहुत सुंदर गीत क्रिएट किया है, वाह जिंदगी वाह। टॉपिक तो आपने दीदी से सुना था, सेमिनार भी आपने देखे, लेकिन गीत आज आप पहली बार सुनेंगे, वाह जिंदगी वाह। तो एक बार जोरदार तालियां भ्राता ओम प्रकाश भाई जी के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिंदगी के प्रति हर एक का अपना अपना नजरिया है। किसने कहा मुस्कुराने का नाम है जिंदगी, किसने कहा पछताने का नाम है जिंदगी। हम तो कहते सभी को हंसकर गले लगाने का नाम है जिंदगी, वाह वाह करके गीत गाने का नाम है जिंदगी। तो चलिए वाह जिंदगी वाह ये एक गीत आइए सुनते हैं। म्यूजिक स्टार्ट। कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है, हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह। दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। चलती है, जीने को मचलती है। वाह शाबाश जिंदगी कम ना हो उत्साह। दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। ये गाती है
गुनगुनाती है, पल पल गुनगुनाती है, चैन से सुलाती पर खुद तो चलती जाती है, खुद तो चलती जाती है। हम भी चलें तुम भी चलो देती सही सलाह, दिल से कहिए हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वहाँ वहाँ जिंदगी वाह, वहाँ जिंदगी वाह, वहाँ जिंदगी वाह, वहाँ जिंदगी वाह, वहाँ जिंदगी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत, वहाँ जिंदगी वाह 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 हो गई वाह वाह। वैसे भी बाबा कहता है कि हमेशा वाह वाह करो, तो आप सब जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं या गीतों के साथ झूम रहे हैं, एक बार अपना राइट हैंड आगे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के पश्चात इसको पीछे पीठ पे थपथपाएंगे और थपथपाते हुए क्या बोलेंगे, वाह जिंदगी वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ओम प्रकाश भाई वाह वाह। तो वाह वाह करते रहेंगे तो जिंदगी वाह हो जाएगी। हर चीज को वाह वाह करना है, साइड सीन में उलझना नहीं है, साइड सीन जो है उसमें इंजॉय करना है, वाह वाह कहना और आगे बढ़ना है। याद रखिए किसी भी साइड सीन को अगर आप करेक्शन करने लगेंगे रुक जाएंगे, भगवान से कनेक्शन लूज हो जाएगा। तो भगवान से कनेक्शन लूज ना हो तो कृपया जो भी साइड सीन आते हैं उन्हें वाह जिंदगी वाह या वाह नज़ारा वाह कहते हुए आगे बढ़ना है। करेक्शन करने पर कनेक्शन लूज हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। इसलिए किसी की भी करेक्शन नहीं करनी है, चुप रहना है, शिव बाबा को याद करना है। कनेक्शन हमारा अगर ठीक रहेगा तो ये जिंदगी हमेशा वाह वाह हो जाएगी। और वैसे भी अब हम कभी उदास मायूस मुरझा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि प्रातः ओम प्रकाश जी एक नए गीत के साथ आ रहे हैं, रब मिलिया। और जिनको रब मिल जाता है उनकी जिंदगी मुस्कुराती है, गुनगुनाती है। तो रब मिलिया, रब मिलिया, प्रातः ओम प्रकाश भाई जी। मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले, मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले, जगदा तारन हारा, जगदा तारन हारा हुन बल्ले बल्ले। मिलिया सतगुर, मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले बल्ले, मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले। सिफ्ता सारी दुनिया कर दी, सिफ्ता कर दी चोलियां पर दी, सिफ्ता सारी दुनिया कर दी, सिफ्ता कर दी चोलियां पर दी, सबना दे ओ परे पंडारे, सबना दे ओ परे पंडारे, सबदा पालन हारा हुन बल्ले बल्ले बल्ले। मिलिया सतगुर, मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले, मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले। कुप हनेरा ओस लकोया, वही कुप हनेरा ओस लकोया, हनेरा ओस लकोया, मिट्टी तोंद जग चानन होया, सुख कनेरे बख्शे उसने, सुख कनेरे बख्शे उसने, दुख पंजन कर तारा हुन बल्ले बल्ले। मिलिया सतगुर, मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले, ओ मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले बल्ले। Yeah!
सरदा रहिंदा दिल शुकराना करदा रहिंदा ओ बिन मंगिया हुन सरदा रहिंदा दिल शुकराना करदा रहिंदा मेरी मेहनत ओदी रहमत मेरी मेहनत ओदी रहमत करदी चमत्कारा हुन बल्ले 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 मिलिया सतगुर मिलिया सत मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले 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 मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले मिलिया सतगुर प्यारा हुन बल्ले बल्ले जगनू तारण वाला हुन बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता ओम प्रकाश भाई जी, आपने बहुत सुंदर गीत गाया, रब मिलिया रब मिल गया हो गई बल्ले बल्ले। और जब परमात्मा मिल जाता है तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। बल्ले बल्ले माना हम बलशाली हो जाते हैं, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। और बाबा बलशाली और श्रेष्ठ उन्हीं आत्माओं को कहता है जो हर परिस्थिति में हर हाल में मुस्कुराते हैं। केवल जब गीत सुनते हैं और पैर थिरकते हैं तभी ही नहीं, लेकिन जब घरों में बातें बनती हैं और उसमें भी हमारा मन झूमता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और वो बल्ले बल्ले कब होती है? जब हम भगवान से मिलते हैं, हमें रब मिलता है। हमें मिला ही नहीं है, मिलकर के वो हमारे सारे कार्य भी कर रहा है। हम सबको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है परमात्म याद में, हम कितना कुछ प्राप्त करते हैं। हम अपने छोटे छोटे कार्य भी शिव बाबा से कराते हैं और शिव बाबा हमारे एक आवाज़ पे हाजिर हो जाता है। आवाज़ भी नहीं लगानी पड़ती, मन में संकल्प किया मेरे बाबा मेरे साथी मेरे मददगार आ जाओ तो बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बाबा आ जाता है। तो अभी हम सबके बीच जब बाबा हाजिर हो जाता है तो हम हर हाल में बड़े अथॉरिटी से चलते हैं। अथॉरिटी से चलते हैं इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में कोई गम नहीं होता है। तो हमारा तन भी झूमता है और मन भी झूमता है। तो ओम प्रकाश भाई जी का ये पेट सॉन्ग है, बहुत अच्छा, इनको ही दिल पसंद ये गीत लगता है। तन नचता ते मन नचता। आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही ये गीत चलेगा तो आप भी साथ साथ झूमेंगे जरूर। तो मैं फिर से इनवाइट कर रही हूँ भ्राता ओम प्रकाश भाई जी को। शांति ओम शांति ओम शांति। एक बार फिर आपके रूबरू होने का मौका मिल रहा है एक खुशी का गीत लेकर। कहते हैं कि बुल्ले शाह और मीरा को जब भगवान मिला तो उन्होंने पाँव में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर दिया, लेकिन हमें तो स्वयं भगवान ने आकर ढूंढा है। तो कितनी ना खुशी की बात है कि हमारा दिल हमारा मन खुशी से नाचना चाहिए, झूम उठना चाहिए। तो आओ एक पंजाबी गीत सुनते हैं और नाल तमाल पा के नचदे हैं। मन नचदा दिल नचदा। म्यूजिक स्टार्ट। मन नचदा ते दिल नचदा नचदा ते दिल नचदा मिल गया बाबा मिल गया सानू सागर सचदा भई सागर सचदा मन नचदा ते दिल नचदा जो नहीं सोचया मिलया मेरी तकदीर दा कमल हुन खिड़िया सुपने च नहीं जो सोचया मिलया
मेरी तकदीर दा कमाल हुण खिड़िया शुकराना कर दे शुकराना कर दे ना दिल थकदा भई दिल नहीं थकदा मन नचदा ते दिल नचदा दिल दे तराने असी सुन दे सुनाउन दे ओ कदी आउंदा कदी ओदे कोल जांदे दिल दे तराने असी सुन दे सुनाउन दे ओ कदी आउंदा कदी ओदे कोल जांदे रिश्ता है पक्का नहीं है कचदा भाई नहीं ओ ए कचदा है मन नचदा ते दिल नचदा वतन तो हर वेले करदा इशारे करदा उड़ीका खड़ा बाह पसारे वतन तो हर वेले करदा इशारे करदा उड़ीका खड़ा बाह पसारे देखदा है रस्ता देखदा है रस्ता ओ हर बच्चे दा है मन नचदा ते दिल नचदा मिल गया बाबा मिल गया सानू सागर सचदा भई सागर सचदा मन नचदा ते दिल नचदा है मन नचदा ते दिल नचदा मन नचदा ते दिल नचदा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रातः ओम प्रकाश भाई जी का। और जो भी अपनी फैमिली में खड़े खड़े डांस कर रहे थे भंगड़ा कर रहे थे वो जरा दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से ओम प्रकाश भाई जी का आभार करेंगे धन्यवाद करेंगे शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया भाई जी शुक्रिया। आज की संगीत संध्या में आपने हम सबको बहुत अच्छे से खुशी की लहरों में लहराया। हम सब पानीपत ब्राह्मण परिवार की आप सबको बहुत ढेर सारी शुभ दुआएं। आप हमेशा आगे बढ़े स्वस्थ रहें बाबा के गीत गाते रहें गुनगुनाते रहें और सबका योग अपने गीतों से बाबा के संग लगवाते रहें ऐसी हमारी शुभ भावना है। अभी हम सब तन का डांस तो किया लेकिन मन की खुशी के लिए कुछ पलों के लिए उस सर्वशक्तिवान के साथ एकाग्र होंगे बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर मन ही मन सोचेंगे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ स्वयं सर्वशक्तिमान मेरा हो गया मैं सर्वशक्तिमान की संतान शक्तियों से भरपूर खुश नसीब आत्मा हूं वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह वाह रे मैं वाह धन्यवाद बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। आप सबने अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करके मन को भी खुशी से भरपूर किया जिसका मन दुरुस्त है उसका हर कार्य दुरुस्त है। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर संपन्न करते हैं।
संपन्न करने से पहले हम सभी भाई बहने ओम प्रकाश भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और शुक्रिया करते हैं आप सभी भाई बहनों का जिन्होंने बहुत प्यार से बहुत उमंग उत्साह से इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, देखा और के साथ भी शेयर किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहला शुक्रिया सर्वशक्तिमान शिव बाबा का और हमारी आदरणीय बड़ी सुनीता दीदी का जिनकी कृपा से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और साथ ही साथ शुक्रिया करेंगे हम गुलशन भाई जी का भी जिन्होंने इतने प्रोग्राम को समेटा और समेट करके हम सबके सामने लाया। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, ओम शांति।